हाय एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एफएसएस एआई असिस्टेंट के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। इस पार्ट में एफएसएस एआई सीएफएसओ एंड टीओ के जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं जीएस के, उसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कश्मीर्स अकबर हु आस्ट जूना राजा टू कंटिन्यू कलहनाज राज तरंगणी एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड एंड रिहैबिलिटेड ऑल द टेम्पल्स। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कश्मीर का वो कौन सा राजा था जिसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, और जिसने जूना राजा से कहा था कि आपको क्या करना है, कलहन की राज तरंगणी को कंटिन्यू करना है, मतलब उसे आगे लिखना है, एंड जिसने जो है टेंपल्स वगैरह सबको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करा था, रिहैबिलिटेट करा था। तो इनका नाम है जैन अल अबिदिनी, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, जैन अल अबिदीन। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कश्मीर का 8th नंबर सुल्तान था। 8वें नंबर का जो सुल्तान था उसका नाम था जैन अल अबिदीन। इसे अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ की वजह से। सबसे पहले ये रिलीजियस टॉलरेंट राजा था, मतलब इसने हर धर्म की सहिष्णुता स्वीकार करी थी। इसके अलावा सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व था, मतलब लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। इसके अलावा इसने जो कश्मीर है, कश्मीर वैली के अंदर जो जिजिया टैक्स है जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था, उसे एबोलिश कर दिया था। इसके अलावा काओ की हत्या पे इसने रोक लगाया था, स्लॉटर ऑफ काओस को इसने बैन कर दिया था। बहुत सारे जो टेम्पल्स थे, जैसे कि आपको क्वेश्चंस में भी दिया गया है कि बहुत सारे टेम्पल्स को इसने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, रिहैबिलिटेट करवाया था। मतलब एक ऐसा मुस्लिम राजा है जिसकी सहिष्णुता थी हिंदुओं की तरफ, मतलब बहुत काइंड हार्टेड था, और इसे अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से या कश्मीर अकबर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कलिंगा वॉर टेक प्लेस ड्यूरिंग मौर्यन डायनेस्टी। जो कलिंगा वॉर है वो कब हुआ था मौर्यन डायनेस्टी के अंदर। तो ऑब्वियस है 261 इसका राइट आंसर होगा। कलिंगा वॉर किसके किसके बीच हुआ है, तो कलिंगा वॉर द ग्रेट अशोका जो मौर्यन एम्पायर के उस समय के किंग थे, और कलिंगा डायनेस्टी जो कि उड़ीसा के अंदर एक छोटा सा स्टेट था, तो इनके बीच। अभी फिलहाल ये जो कलिंगा है वो कहाँ पे है, तो अभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन दोनों में, मतलब इसका आधा टेरिटरी जो है वो उड़ीसा के अंदर है, आधा टेरिटरी आंध्र प्रदेश में मिला हुआ है। सो ये जो कलिंगा वॉर है ये कब हुआ था, तो 261 BC में ये कलिंगा वॉर हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इज़ द लीस्ट डेवलप्ड व्हेन इट कम्स टू रेल रोड। कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे कम डेवलप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मणिपुर दिख रहा है, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पूरा का पूरा जो रेल रोड बिछा हुआ है वो 225 किलोमीटर है, जबकि मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में 272 किलोमीटर है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, ना कि मणिपुर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धूलावीरा अ साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सिविलाइजेशन में धोलावीरा एक इम्पॉर्टेंट साइट था। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो इम्पॉर्टेंट साइट है धोलावीरा वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये स्पेशली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है। धोलावीरा कहाँ पर लोकेटेड है, तो गुजरात के अंदर धोलावीरा लोकेटेड है, और ये किस लिए फेमस है, तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नेटवर्क्स थे जो पाइप के जैसे कनेक्ट थे अलग अलग तरह के रिजर्वर से, और ये पूरा एक चैनल सिस्टम था जो जितनी भी वाटर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे डैम हो गया, इरिगेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होने वाला पानी हो गया, सभी चीज़ें जो है आपस में कनेक्ट थी। मतलब एक पूरा बहुत अच्छे तरीके से मेनटेन करा हुआ था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धोलावीरा के अंदर। तो ये धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में, ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और ये किस लिए फेमस है, तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए या वाटर कंजर्वेशन के लिए ये फेमस था।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, थ्री सेपरेट प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल वर ब्रॉट इनटू अ कॉमन सिस्टम बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा इंडियन काउंसिल एक्ट है या कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसके तहत मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की प्रेसिडेंसी जो अलग अलग थी इसे मिला करके एक जो सेंट्रल लेवल पे एक प्रेसिडेंसी बना दी गई, मतलब जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो हेड हो गई थी। तो ये किस काउंसिल एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट के दौरान हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ, जो आयरन ओर का जो सबसे बड़ा जो एरिया है इंडिया के अंदर वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा बिहार एंड उड़ीसा। आयरन ओर के कंसर्न में, मतलब आयरन ओर के एरिया में अगर इंडिया का अगर हम लोग पोजीशन देखें पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्वर कंट्री है, रिजर्व्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। और इसमें जो आयरन ओर सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पर है? तो बिहार और उड़ीसा के अंदर मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फॉर मीजरिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरिक इनटेक इन रूरल एरियाज। बेसिकली ये आपका सेंसस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एट विच लोकेशन अ पर्सन डजंट कास्ट अ शेडो वाइल स्टैंडिंग इन ब्राइट सनलाइट एट 12 noon ऑन December 21st। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पर अगर एक पर्सन को अगर रखा जाए तो उस पर्सन का जो शेडो होगा वो बिल्कुल नहीं बनेगा, कास्ट नहीं होगा, शेडो कास्ट नहीं होगा, मतलब जो सन की जो किरणें हैं, जो सनलाइट है वो डायरेक्टली ओवरहेड होंगी उस पर्सन पे। तो और ये कब, कौन से दिन की बात कर रहा है? ये 21 दिसंबर की बात कर रहा है। 21 दिसंबर को 12 बजे अगर कोई पर्सन इस एरिया पे अगर लोकेट होगा तो उसकी शेडो नहीं बनेगी, तो ये कौन सा एरिया होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, जैसे ये मेरा इक्वेटर हो गया तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये हो गया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर 21 दिसंबर को सनलाइट डायरेक्ट ओवरहेड पड़ता है, मतलब एकदम सूरज की किरणें जो हैं एकदम बिल्कुल सीधी आती हैं, और 12 बजे के अराउंड अगर कोई पर्सन अगर खड़ा है इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर तो उस समय उसका शेडो फॉर्म नहीं होगा। इसके अलावा इक्वेटर से भी मिलता जुलता सेम क्वेश्चन पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपसे अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि इक्वेटर पर जो है ये कब होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 21 मार्च और 21 सितंबर। ये दो दिन ऐसे हैं जब इक्वेटर पे अगर कोई पर्सन खड़ा हो जाए 12 बजे के अराउंड तो उसका शेडो फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कल्चर द प्रिंसिपल ऑफ रिगार्डिंग इट्स बिलीफ वैल्यू एंड प्रैक्टिसेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि कल्चरल के पॉइंट व्यू से, मतलब अगर हम लोग कल्चर को कंसिडर करें तो उस समय जो प्रिंसिपल है जो हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, कल्चर को ध्यान में रखते हुए जो वैल्यूज पे काम करता है या फिर जिस कल्चर को हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? तो इस प्रिंसिपल को हम लोग कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं। बेसिकली जो कल्चरल रिलेटिविज्म है इसका जो बेसिक आइडिया या जो फिलॉसफी होता है वो ये होता है कि जीवन जीने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं होता, और यह जीवन जीने का जो तरीका है, ये जीवन जीने की जो शैली है, ये बेसिकली जो है हर कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। सो ये मेन फिलॉसफी है कल्चरल रिलेटिविज्म का, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो मेरा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है इसे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वे सारे सोर्स आते हैं जो कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सी एफ एस ओ के पेपर में यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है मेरा
टेक्निकल असिस्टेंट के पेपर में जीएस के जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से है, और क्वेश्चन ये है कि विच थिंग दी हड़प्पन वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हड़प्पा ने सबसे पहले प्रोड्यूस करा। तो जो राइट आंसर है वो है कॉटन, कॉटन सबसे पहले हड़प्पा ने प्रोड्यूस करा इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जो है मेरा फॉर द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इन इंडिया विच वन इज नॉट अ वैलिड रीजन, ठीक है। सो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, बेसिकली पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम क्या होता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एलिविएशन का मतलब पता होना चाहिए। एलिविएशन जो है वो एलिविएट से बना हुआ है, तो एलिवेट मतलब किसी चीज को ठीक करना, बेहतर करना पहले से। तो अगर पॉवर्टी को हमें सही करना है तो उससे जुड़ा हुआ जो प्रोग्राम होगा वो कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से किस पे वो डिपेंड नहीं करता। पहला जो है वो इनकम लेवल, जिस पे वो डिपेंड करता है। दूसरा है लैक ऑफ राइट टारगेटिंग, जो यहाँ पे आंसर है राइट आंसर। तीसरा जो है वो है मेरा लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, और जो चौथा है वो है मेरा एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ऑब्वियस है तीनों पे करता है, जिस पे नहीं करता है वो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, लैक ऑफ राइट टारगेटिंग। अब दिमाग में बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये बन रहा होगा, ये होता क्या है, लैक ऑफ राइट टारगेटिंग का मतलब क्या हुआ। बेसिकली देखो, इसे अगर हम अच्छे से समझें तो लैक ऑफ राइट टारगेटिंग में हमें सबसे पहले राइट टारगेटिंग दिख रहा है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि टारगेटिंग वर्ड यहाँ पे आ रहा है और उसके साथ साथ एक राइट आ रहा है, तो राइट टारगेटिंग। अगर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम अगर इंडिया में चल रहा है तो गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम पे क्या पूरी कंट्री को टारगेट करेगी या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट करेगी। तो ऑब्वियस है कि आपका आंसर होगा एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा पूरे पॉपुलेशन का जिसे वो टारगेट करेगी। जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो स्टूडेंट्स को टारगेट करेगी। तो उसी तरीके से अगर पॉवर्टी को अगर टारगेट करना है कि हमें पॉवर्टी दूर करनी है इंडिया में, तो किसी अमीर को लेकर के तो वो मुकेश अंबानी को लेकर के तो नहीं बैठेगी, नहीं मुकेश अंबानी को हमें उसकी गरीबी हटानी है क्योंकि वो ऑलरेडी अमीर है। तो गरीबी हटानी है तो किसकी हटानी है, तो जो पुअर पीपल हैं, जो बीपीएल के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उनकी गरीबी हमें हटानी है। तो ऑब्वियस है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन टारगेट होगा पॉपुलेशन का, दिस इज कॉल्ड राइट टारगेटिंग। अब लैक ऑफ राइट टारगेटिंग का मतलब ये है कि जिस सेक्शन को हमें टारगेट करना है उसके सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे सपोज करो उसकी आइडेंटिटी कार्ड हमें नहीं पता, उसकी पहचान पत्र के बारे में हमें नहीं मालूम, उसका आधार कार्ड नहीं बना है अभी तक, ठीक है, या इसके अलावा और क्या हो सकता है, करप्शन इतना है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये भी हो सकता है। तो दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड लैक ऑफ राइट टारगेटिंग। क्लियर हो गया? तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैक ऑफ राइट टारगेटिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आफ्टर अ वायलेंट एपिसोड ऑफ पीजेंट ऑकर्ड एट पुलिस स्टेशन ऑफ चौरी चौरा नियर गोरखपुर इन यूपी, एम के गांधी सस्पेंडेड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑन। तो जो एम के गांधी हैं, महात्मा गांधी, इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करा, कब करा, तो 12 फरवरी 1922 को। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। जिसमें हुआ क्या था, जिसमें हुआ ये था कि जो गोरखपुर के जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उन्होंने गोरखपुर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और हमला करके वहाँ पर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। तो ये जो घटना हुई थी इसके कारण महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था उसे उन्होंने वापस ले लिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइंस इन इंडिया पीरियोडिकल सैंपल सर्वे इज कंडक्टेड बाय। जो पीरियोडिक सैंपल सर्वे है इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन से जुड़ा हुआ है वो कौन देता है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में से कहते हैं NSSO, ठीक है। अब दिमाग में यहाँ पे ये क्वेश्चन बनना चाहिए आप सभी के कि जो NSSO है यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस किस जगह का या कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ का ये सर्वे ले सकता है। तो बेसिकली ये 5 इंपॉर्टेंट सर्वे को कंडक्ट करता है या 5 इंपॉर्टेंट सर्वे जो है इसके अंदर आती है जो ये कंडक्ट करवाता है। पहला एनुअल सर्वे, ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, पहला जो है वो है मेरा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके अंदर स्ट्रक्चर किसी इंडस्ट्री का क्या है, एक इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है या उस इंडस्ट्री का कितना इन्वेस्टमेंट है उसे वो नोटिस करती है, उसे वो नोट डाउन करती है। दूसरा जो है वो है मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये तो पता ही है आप सभी को क्या होता क्या है। इसके अलावा है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे,
हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के अंदर हाउस होल्ड का कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम है, कितना कंजम्पशन है, ये डाटा रिकॉर्ड होता है। चौथा नंबर है लेबर फोर्स सर्वे। लेबर फोर्स सर्वे के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, लेबर फोर्स कितना है, ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। और पाँचवा नंबर पर है नेशनल सैम्पल सर्वे। नेशनल सैम्पल सर्वे के अंदर एजुकेशन, नेशन के अंदर एजुकेशन सिस्टम की क्या दशा है, क्या हालत है, हेल्थ किस तरीके का है, एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। ठीक है, तो ये सारा डाटा कौन कलेक्ट करता है? NSSO। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज विच ऑफ द थ्री आर्स विल हेल्प अस। कौन सा थ्री आर है? RRR जिसे कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब देखो ये चारों मिलता जुलता है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि कोई भी मार देंगे तो सही हो जाएगा। नहीं, इसका एक प्रॉपर चयन है। सबसे पहले हमें टारगेट करना है रिड्यूस पे, हमें चीज़ों को कम यूज़ करना है। लेकिन अगर कम यूज़ नहीं हो पा रही है उसे, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है जो कि है रीयूज़। हमें उसे दोबारा यूज़ करने के लिए सीखना है। अगर हम दोबारा यूज़ मतलब वो चीज़ दोबारा यूज़ करने के हालत में भी नहीं बची अब, तो उसे रिसाइकिल कर देना है। ठीक है, तो उसे क्या करना है? रिसाइकिल मतलब उसका कुछ का कुछ बना देना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिसाइकिल कर देना। तो रिड्यूस, सबसे पहले रिड्यूस आएगा, रिड्यूस खत्म होगा तो रीयूज आएगा, रीयूज खत्म होगा तो रिसाइकिल आएगा। तो दीज आर दी थ्री आर्स विच आर वेरी हेल्पफुल टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग हर्षवर्धनास पीरियड विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कौन सा चाइनीज पिलग्रिम जो तीर्थयात्री था वो भारत आया था? बहुत सिंपल है, याद रखना इसे, हिंसांग को। ठीक है, एच से हिंसांग होता है, एच से हर्षवर्धन होता है, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन आया था। तो हिंसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लम अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाई हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा महाराष्ट्र यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है, हमें ये बताना है। सो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जो ध्यान में रखना है आप सभी को, कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कितने टाइम पीरियड तक चलता है? तो 10 डेज तक चलता है। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड के अंदर होता कहाँ पे है? तो कासिमा हेरिटेज विलेज, इस जगह पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच महाजनपदा इन एंशिएंट इंडिया हैड द कैपिटल नेम्ड चंपा। क्वेश्चन यहाँ पे ये यह है कि जो महाजनपदास थे, टोटल 16 महाजनपदास थे एंशिएंट टाइम पीरियड में, तो इस 16 महाजनपदास में कौन सा ऐसा महाजनपद था जिसका कैपिटल चंपा जिसका नाम था? तो आंसर है इसका अंगा। अंगा महाजनपद का जो कैपिटल था वो चंपा था। सो ये टोटल आपके क्वेश्चंस हो गए FSSAI GK के। ठीक है, तो GK या GS जो आप समझो, या करंट जनरल अवेयरनेस समझो, इसका जो है सारा क्वेश्चंस जो 2022 के FSSAI के एग्ज़ाम में पूछा गया है वो हमने कवर कर लिया। इसकी PDF आपको दो जगह पे मिलेगी, निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, और दूसरा जो है निशांत एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। इन दो जगहों पे, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों जगहों पे चीज़ें अवेलेबल होगी, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट में होगा उसमें हम लोग FSSAI के सारे क्वेश्चंस जो FSSAI 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।